तो ओके गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग आपको इस टाइप की फेस स्मूदिंग कुछ सिखाने वाले हैं। बहुत से लोग अपने फेस की स्मूदिंग इस टाइप की करना चाहते होंगे बट अपने फेस की स्मूदिंग इस तरह से नहीं कर पाते होंगे। मेरे तरह से करना हो तो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बने रहो, इस टाइप की एडिटिंग सिखाऊंगा HD फेस स्मूदिंग की। एंड देख सकते हो ओरिजिनल फोटो, वही फोटो दिखा रहा हूँ जो एडिटिंग मैंने अभी फ्रंट पे करके दिखाई थी। एंड देख सकते हो फेस पे कितने पिंपल दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखा दूँ एडिटिंग वाली भी। तो गाइज देख सकते हो कितना बिफोर आफ्टर दिख रहा है। तो इस टाइप की एडिटिंग सीखना है HD फेस स्मूदिंग की। तो गाइज HD फेस स्मूथ आपको खुद से भी करना है तो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बने रहो, आपको मैं सब कुछ समझा दूंगा एंड सिखा दूंगा कैसे इस तरह की फोटो एडिटिंग करी जाती है, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप एंड कौन से ऐप से करा जाता है। तो बिफोर आफ्टर देख सकते हो काफ़ी अच्छी लगी फोटो हम लोग की। तो गाइस इस टाइप की एडिटिंग सिखाने वाला हूँ आज की वीडियो में एंड आज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो HD फेस स्मूदिंग की ट्रिक जानने वाले हो गाइस, तो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बने रहो एंड चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो ये ओरिजिनल फोटो है अभी हम लोग की, इसको हम लोग शेयर कर लेते हैं यहाँ पे ऑटोडेस्क स्केचबुक में। तो गाइस स्टेप बाय स्टेप देखो एंड आप लोग भी सीखो इस टाइप की एडिटिंग कैसे करा जाता है। एंड देख सकते हो मैंने फोटो को पहले ओपन कर लिया ऑटोडेस्क स्केचबुक में। तो गाइस पहले तो मैं यहाँ पे पिंपल जो दिख रहे हैं सबको हाइड करूंगा एंड यहाँ पे पहले तो मैं फेस स्मूदिंग करूंगा। तो गाइस पहले स्मूदिंग से पहले आप लोगों को क्या करा जाता है, फेस को वाइट किया जाता है। तो फेस वाइट कर लेते हैं हम लोग पहले। तो गाइस टूल वाले आइकन पे क्लिक कर लो। टूल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको मीडियम ब्रश यूज़ करना होगा ट्रेडिशनल पे एंड इसके बाद कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, इसको ऑफ वाइट है फुल वाइट कर लेना। फुल वाइट करने के बाद गाइस अभी आप लोग को क्या करना होगा, एक लेयर बना लेना होगा। लेयर पे बनाने के बाद नॉर्मल को ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट कर देना होगा कुछ इस तरह। सॉफ्ट लाइट करने के बाद गाइस अभी आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हो अभी अपने फेस पे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लो एंड ड्रॉ करते ही देख सकते हो फेस पे काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे स्मूदिंग के पहले यहाँ पे हम लोग फेस वाइट कर लेते हैं। तो गाइस फेस वाइट करना ज़रूरी रहता है स्मूदिंग से पहले। तो गाइस देख सकते हो इस टाइप से फेस स्मूद होगा एंड देख सकते हो गाइस काफ़ी अच्छी तरीके से फेस वाइट हो रहा है। कोई ये टूल यूज़ नहीं करता बट ये टूल काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है आपके फेस पे। तो गाइस ये टूल को यूज़ करो और इस टाइप की अपने फेस को गोरा करो। तो गाइस पहले मैं कर लेता हूँ गोरा, कर लेता हूँ फेस को वाइट कर लेता हूँ, उसके आगे का ट्रिक बताता हूँ स्मूदिंग कैसे की जाती है। एंड देख सकते हो ये हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा था। तो गाइस देख सकते हो मेरे फेस की स्मूदिंग के पहले यहाँ पे फेस जो वाइट था मैंने कर दिया। फेस वाइट करने के बाद गाइस अब हम लोग फेस स्मूदिंग करेंगे तो इसका ऑपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हो आप अपने हिसाब से, फेस की ब्राइटनेस रख सकते हो। एंड यहाँ पे इसके बाद अपने नॉर्मल फोटो पे आ जाते हैं एंड नॉर्मल फोटो पे आने के बाद गाइस अभी आप लोगों को क्या करना होगा, स्मूदिंग की ट्रिक बताने वाला हूँ गाइस, उसको ध्यान से देखना। एंड आज स्मूदिंग वाले टूल पे रहेंगे एंड यहाँ पे ये वाला टूल मैंने बहुत बार आपको सजेस्ट किया है, आप लोग यूज़ नहीं करते हो। तो गाइस बहुत से लोग बोलते हैं फिर से स्मूदिंग की ट्रिक लाओ, तो स्मूदिंग की ट्रिक लाओ। तो गाइस ये मैंने फिर से ये ट्रिक दे दी आप लोग को, ये टूल यूज़ करो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो गाइस देख सकते हो मेरे फेस पे तो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है इसका। एंड फ्लो स्ट्रेंथ जानना हो तो गाइस फिर से मुझे कमेंट करो, मैं आप लोग को फ्लो एंड स्ट्रेंथ दोनों बता दूंगा। एंड वीडियो के एंड तक आप लोग को पता ही चली जाएगा वैसे भी फ्लो स्ट्रेंच क्या होता है एंड यहाँ पे आप लोग को बता दूंगा क्या रखना है फ्लो स्ट्रेंच। एंड देख सकते हो मेरे फेस पे काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है स्मूदिंग। तो गाइस इसको मैं कर लेता हूँ, उसके आगे बात करता हूँ क्या करना होगा। यहाँ पे देख सकते हो मेरी फेस स्मूदिंग तो हो चुकी है और हम लोग ने लाइटरूम ऐप में फोटो को ओपन भी कर दिया। तो आप लोग भी ओपन कर लेना लाइटरूम ऐप में फोटो को एंड यहाँ पे एक पीसेट दूंगा अपना। तो गाइस ये पीसेट है मेरा, इसको डाउनलोड कर लेना, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसके बाद कॉपी सेटिंग करने के बाद गाइस अभी आप लोग को बैक अपनी ओरिजिनल फोटो पे आना होगा, उसके बाद इसको पेस्ट सेटिंग कर देना होगा एंड 3 डॉट पे क्लिक कर लेते हैं एंड इसको पेस्ट सेटिंग करते। तो गाइस वन ही लुक में इस टाइप की एडिटिंग मैंने कर दी, यहाँ पे देख सकते हो वन ही क्लिक किया एंड इस तरह का लुक हो गया। एंड इस तरह का लुक आप भी देना चाहते हो अपनी फोटो में। तो गाइस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखो एंड आप सीख जाओगे कैसे एडिटिंग करी जाती है इस टाइप की। एंड यहाँ पे HD ग्लो दिखा रहा हो तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कुछ, ये भी यहाँ पे फेक ट्रिक नहीं बताई, सब कुछ ओरिजिनल बताया। तो गाइस यहाँ पे सब कुछ ओरिजिनल बताया एंड आप लोग इस टाइप की रेटिंग सीख सकते हो, बिफोर आफ्टर भी करके देख सकते हो गाइस काफ़ी अच्छी तरीके से रेटिंग हुई है। तो गाइस आई होप वीडियो सबको अच्छी लगे, तो वीडियो का एक लाइक जरूर करो।